वेलकम टू बुक बास्केट। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ने के लिए किताब तो खोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप मोबाइल पर सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं, आपको कुछ स्नैक्स खाना याद आ जाता है, आप अपने किसी दोस्त से बात करने लग जाते हैं, या फिर आपको कोई और काम याद आ जाता है। ऐसा होना आम बात है, पर इसका नुकसान यह है कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसे 6 तरीके जिनसे आप रोज अपनी पढ़ाई में मन लगा सके। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी पढ़ाई में फोकस बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे 6 ऐसी फंडामेंटल टिप्स जिनको फॉलो करके आप रोजाना पढ़ाई में बड़ी आसानी से मन लगा पाएंगे। स्टेप 1, पढ़ाई करने के लिए सही एनवायरनमेंट चुनें। पढ़ाई करने के लिए आपको शांत माहौल का चुनाव करना होगा। अपने घर में पढ़ाई के लिए एक प्लेस डिफाइन करें। वहां पर आप अपनी स्टडी टेबल लगाकर सारी किताबों को बहुत अच्छे से सजाकर रख सकते हैं, और जब भी आपको पढ़ाई करना हो तब आप उसी जगह से पढ़ाई शुरू करें। बाद में अगर आपको चलते हुए पढ़ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप रोज एक ही जगह पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे वह आपका प्लेस ऑफ पावर बन जाएगा, और जब भी आप उस जगह पर बैठेंगे तो अपने आप आपका मन पढ़ने के लिए करने लगेगा। स्टेप 2, अड़चनों को कम करें। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन के जितने तरीके उपलब्ध हैं, इतने आज से पहले कभी नहीं थे। जब आप पढ़ने बैठोगे तभी आपको कोई जरूरी काम याद आ जाएगा, घर के लोग भी आपको तभी काम बताएंगे, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको अपने दोस्त से कोई जरूरी बात करना याद आ जाएगी। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपने मोबाइल को खुद से दूर रखो और आने वाले इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। घर में सब लोगों को बताइए कि यह समय आपके पढ़ने का है और इस समय पर आपको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। स्टेप 3, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाए। जब किसी काम का एक शेड्यूल बनाया जाता है तो उस काम को करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई का भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए। आपको अपने स्कूल के टाइम, अपने खेलने के टाइम और अपने आराम के टाइम को छोड़कर बाकी बचे समय में सारे सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिसमें कि आप हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करें और उस पर्टिकुलर समय पर आप उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। टाइम टेबल बनाना पढ़ाई शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इससे आपकी टालमटोल की आदत बहुत हद तक कम हो जाएगी। स्टेप 4, एक टू डू लिस्ट बनाएं। जब आपने टाइम टेबल बना लिया है कि आपको दिन के किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तब बारी आती है कि आज आपको उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ऐसा आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं कि आज के दिन में आपको हर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस रेडी करने हैं या कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। जब पढ़ाई का आपका फूल प्रूफ प्लान तैयार रहेगा तब आपके दिमाग के पास बहाना बनाने का कोई मौका नहीं होगा और आप आसानी से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। स्टेप 5, हेल्दी खाना खाए। आप किस तरह का खाना खाते हैं और आपके खाने का क्या पैटर्न है, इसका आपके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना ज्यादा हो पाए अपने पढ़ाई के समय खाने में हमेशा हल्की चीजें ले। जितना ज्यादा हो सके उतना सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन पचने में आसान होता है, साथ ही यह शरीर को पोषण भी प्रदान करता है। इसकी वजह से हमारा दिमाग सक्रिय बना रहता है और हमें आलस नहीं आता। स्टेप 6, बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहे। कभी भी लगातार पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगातार पढ़ाई करते रहने से आपका दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपने टाइम टेबल में 1 घंटा किसी एक सब्जेक्ट के लिए बनाया है और उसके तुरंत बाद अगला घंटा किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो इन दोनों के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले। ब्रेक में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाए, जैसे गाना, वॉक करना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कुछ और। ब्रेक लेते रहने से आप आगे की पढ़ाई में फोकस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इन फंडामेंटल टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, और यकीन मानिए अगर आप इन 6 तरीकों को सिर्फ 1 महीने तक अपनाए तो आपको इतने रिमार्केबल चेंज मिलेंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें और 1 महीने बाद
जब आपकी पढ़ाई का पैटर्न बदल जाए तो इस वीडियो पर आकर वापस कमेंट जरूर करें। आपके लिए पढ़ाई से संबंधित ढेर सारी अच्छी टिप्स हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।